आज हमारे पास Vivo की Y सीरीज का न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन यानी कि Vivo Y75 5G और करेंगे इसके कैमरा को टेस्ट डिटेल्स में, देखेंगे किस टाइप की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इसका कैमरा प्रोड्यूस कर सकता है। बट बिफोर गोइंग अहेड लेट मी क्विकली टेल यू द कैमरा डिटेल्स। यहाँ पर बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका कैमरा मॉड्यूल काफी अट्रैक्टिव है देखने में, सिल्वर रिंग्स है इसके कैमरा के आसपास जो काफी प्रीमियम लुक देते हैं फोन को। और जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। आगे की तरफ आपको मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच में सेल्फी कैमरा प्लेस जो कि 16 मेगापिक्सल का है। ऑल्दो द कैमरा डिटेल्स आर नॉट सो इम्प्रेसिव बट वी वुड स्टिल टेस्ट कि किस टाइप की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो चलते हैं जल्दी से किसी आउटसाइड लोकेशन पर और टेस्ट करते हैं इसके कैमरा को। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं Vivo Y75 5G के कैमरा के बारे में जानने के लिए तो वॉच द वीडियो टिल देन। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेक्शार। तो आ चुके हैं एक आउटसाइड लोकेशन पर टेस्ट करने के लिए कि Vivo Y75 5G का कैमरा किस टाइप की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30fps पर इसके फ्रंट कैमरा से, और जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ये भी इस फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको आवाज़ का भी अंदाज़ा हो रहा होगा किस टाइप की साउंड क्वालिटी आपको रिकॉर्डिंग्स में देखने को मिलेगी। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके ड्यूअल व्यू मोड पे, जिसमें फ्रंट और बैक कैमरा एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल होता है व्लॉगिंग में, क्योंकि इसमें आप खुद को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैक पर जो भी दिख रहा है आपको वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है मोड रहता है ये व्लॉगिंग वगैरह के लिए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी पिक्चर इन पिक्चर मोड पे, जिसमें आप फ्रंट कैमरा को एक विंडो के फॉर्म में ला सकते हैं, या फिर आप अगर एक सिंगल टैप करेंगे तो उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको वाइडर व्यू फ्रंट कैमरा का दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट इसमें जो फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है उसके कलर्स थोड़े वॉश आउट लगते हैं आपको, तो बस ये थोड़ी चीज़ है, बाकी काफ़ी अच्छा रहता है ये व्लॉगिंग वगैरह के लिए। और भी अगर आप कहीं पर ऐसा शूट करें कि आपको फ्रंट और बैक कैमरा एक साथ करना है रिकॉर्ड, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके नॉर्मल मोड से, और अब मैं इसको 2x पर जूम करने जा रही हूँ। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 2x जूम पे, और क्लैरिटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग बेंच पर बैठे हुए हैं इसमें। अब मैंने इसकी जूमिंग को 5x पर किया है और काफ़ी क्लियर आप देख सकते हैं कि 5x की जूमिंग भी काफ़ी क्लियर है यहाँ पर। और अब मैं इसको मैक्सिमम पे जूम करती हूँ 10x पर, 10x यहाँ पर पिक्सलेटेड मिलता है आपको, तो मेरे ख्याल से 5x का रिजल्ट इज़ द बेस्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30fps पर इसके बैक कैमरा से, और क्लैरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको दिख रही होगी, जबकि काफ़ी तेज़ धूप में मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पर HDR मोड काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने HDR मोड ऑफ़ किया हुआ है बिल्कुल सारे एरियाज ब्लैक है, जबकि HDR मोड ऑन करने पर बिल्कुल सब कुछ विजिबल हो गया है। तो HDR मोड यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। बात करें जूम शॉट्स की तो 10x तक आप जूम यहाँ पर कर पाएंगे, 2x तक तो काफ़ी क्लियर है जूम, 5x पर भी डिसेंट बोल सकते हैं, लेकिन 10x पर काफ़ी ज़्यादा पिक्सलेटेड हो जाता है। तो मैक्सिमम मैं बोलूँगी 2x जो है इसमें बेस्ट है। अगर बात करें सेल्फीज़ की तो यहाँ पर सेल्फीज़ में ओवर एक्सपोजर मुझे लगा, क्योंकि मैंने ब्राइट सनलाइट में किया था, यहाँ पर फोटोज़ में ज़्यादा स्किन टोन जो है वाइट हो जाती है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कम अच्छी लगी। बट इनडोर सेल्फीज़ जो है यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। मैक्रो कैमरा यहाँ पर आप डिसेंट बोल सकते हैं, रियर कैमरा से जो नॉर्मल शॉट्स हैं वो यहाँ पर एवरेज देखने को मिल जाते हैं, डायनेमिक रेंज भी यहाँ पर एवरेज देखने को मिलती है। Hi, welcome back. So, how did you like the camera? In my view, the camera was decent. मेरे हिसाब से जो सेल्फी कैमरा है और जो इसका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है उसमें काफ़ी अच्छी इमेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं और वीडियोस भी जो है डिसेंट आपको देखने को मिल जाती हैं।
ऑल्दो यहाँ इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, बट आई कैन नॉट रिकमेंड इट एज अ कैमरा फोन। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको कौन सा शॉट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इट मीन्स कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।